अभी शॉप पे पहुंचा हूँ, ये माल वगैरह आ गया है। पता है भी क्या हुआ, हम लोग आ रहे थे तो सरीना की तरफ है ना, बीच में पेट्रोल खत्म हो गया रोड के बीच। रखो नीचे, नीचे रखो, वाला भी रखो। शाबाश, बेटे ने मेरे को शूज लाके दे दिए कि बाबा आप शूज वगैरह पहनो और अब शॉप के लिए चले जाओ। तो मैं शॉप के लिए बिल्कुल रेडी हो गया हूँ, लेकिन मेरी वाइफ का वेट कर रहा हूँ, वो आ जाए। अगर उनको कोई काम है तो वो भी करने पड़ते हैं लाजमी, क्योंकि सुबह पूछ के जाना पड़ता है, रात को कहीं बाहर जाओ तो पूछ के जाना पड़ता है, लाजमी ड्यूटी है ये मेरी। म्यूजिक ले क्या हो गया? आलू, इसको बोलो ना कुछ लेके आ जाओ। तो भैया सिर्फ बोलता है आलू 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 खाता है। ये आलू खाता है ना, तो इसको आलू चाहिए। ये आलू से रोटी खा लेता है, चावल में आलू खा लेता है, तो बस इसको आलू का नाम याद हो गया है। अब ये कहीं भी जाएगा तो सिर्फ आलू लेने जाएगा, और सुबह उठेगा इसको इसकी गाड़ी चाहिए, रात में उठेगा तो इसको इसकी गाड़ी चाहिए। बस दो टाइम जब ये उठता है ना, शाम में भी जब भी, इसको गाड़ी ही चाहिए। ओ नहीं करो बदतमीजी, तंग कर रही है मेरे बेटे को। हैं चलो यार मैं जा रहा हूँ। कहाँ गए थे? हैं स्कूल नहीं गए? छुट्टी है, आज छुट्टी है, आज ये बना पेपर नहीं रहा। अच्छा पेपर, अच्छा। पेपर शुरू हो गए? नहीं नहीं पेपर शुरू हो गए, छुट्टी नहीं है। सही, ये टायर मैं आपको बताऊंगा ये यहाँ पर क्यों रखे हुए ये दोनों है ना। हाँ वो तो दिखाऊंगा बाद में। कपड़े इनको कपड़े एक दफा ला के दे दिए मैंने वहाँ से, तो इन लोगों को इतने अच्छे लगने लग गए, मजे आ रहे हैं इन लोगों के, कि हर दफा मेरे को बस कपड़े ला दो कपड़े ला दो, क्योंकि कपड़े ख़त्म नहीं हो रहे। आज भी फिर जाना है थोड़े वो सूट वगैरह और लाने, पहले वन पीस लाए थे तो थ्री पीस लाना। चलो यार मैं जा रहा हूँ। सही, चलो सही है, सही। अल्लाह हाफिज़, बाय कर दो, अव्वा भी कर दो, अव्वा। दोनों टायर थे ना वो इस गाड़ी, ये देख रहे हो गाड़ी, ये हाईरूफ़ 2019, ये ऐसे ही खड़ी हुई है, इसको चलाने वाला कोई भी नहीं है। तो इसके शीशे वीशे भी टूट गए, आगे का गिलास भी टूट गया इसका, ये हमारी गाड़ी है और ये इतने टाइम से खड़ी हुई, इसको कोई चलाने वाला नहीं है भाई। ऐसी खड़ी हुई ना, इसको बेच रहे ना इसको चला रहे भाई, ऐसे ही जंग खा रही है ये गाड़ी यहाँ पर। ये बड़े भाई ने लेके खड़ी कर दी है यहाँ पे, उनके पास टाइम नहीं है तो वो यहाँ ही खड़ी के खड़ी रह गई है, गलना शुरू हो गई हर जगह। और इसका अभी भी अच्छा खासा अमाउंट मिल रहा है भाई को, लेकिन भाई फिर भी नहीं बेच रहे। करने वाले हैं रिक्शे के अंदर, क्योंकि रिक्शे के अंदर हमें जाना है आज शॉप की तरफ, क्योंकि थोड़ा बहुत माल है वो लेके जाना है। हाँ रहमान तो आ गया, तो उसके साथ हमें जाना है, तो अभी हमें जाना है कारखाने, वहाँ से माल वगैरह लेके फिर रिक्शे के अंदर जाना है। अब देखते हैं कितनी देर में जाते हैं, 12:20 तो यहाँ ही हो चुके। जो माल लेके जाना है वो अभी तक प्रेस नहीं हुआ। अभी कितना टाइम लगेगा दिखान? 2 बजे और अभी टाइम हो रहा है 12:30, 1.5 घंटा और यहाँ पे वेट करना है, तो इसी का दिमाग खाएंगे यहाँ पे। ये 2 बजे तक ये भाई साहब माल प्रेस करेंगे, फिर पैक होगा, फिर हम लेके जाएंगे। काफ़ी सारा तो तैयार हो गया है, बलून वाला स्टाइल है ना ये। हाँ चलो 2 बजे तक वेट करते हैं इसका, ये प्रेस कर रहा है भाई, अंदर जाके बैठते हैं आराम से, नींद नहीं आएगी वरना सो जाता है। बड़ा हरामी हो बेटा। 2 बज चुके हैं अभी, यहाँ पर ही है हम, कम से कम अभी 3 बजेंगे, तो 3 बजे तक मैं जाऊँगा शॉप की तरफ, क्योंकि अभी बहुत पीस रह चुके हैं प्रेस के, वो हो रहा है अभी। एक आर्टिकल हमारा ये भी तैयार हो रहा है, ये अभी हुआ नहीं है। ये ट्राउज़र बनाया हुआ इसका, बेल बॉटम वाला,
तो अभी पूरा आर्टिकल तैयार नहीं हुआ, ये अभी चल रहा है, ये भी तैयार हो गया है माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआ से काम बेहतरी की तरफ आ रहा है, सिलसिले अल्लाह का शुक्र है, बहुत बेहतर होता जा रहा है और ऑर्डर वगैरह भी आ रहे हैं अल्लाह का शुक्र है। तो अभी तो मेरे को लग रहा है कि खाना वाना यहीं खा के जाना पड़ेगा आज, बहुत टाइम हो चुका है। अभी एक आर्टिकल पे बक्कल वगैरह भी लगेंगे तो उसके लिए इसको कलर वगैरह भी कराना है। अब ये कहाँ होंगे, ये खुद ही कराएंगे। सुबह 12 बजे से आया हुआ था, अभी टाइम हो चुका है 4:30 हो रहे। अब मैं जा रहा हूँ रक्षा करने के लिए, उसके बाद निकलूँगा मैं अपनी शॉप के लिए। इतना लेट कर दिया प्रेस मैन ने कि 2 बजे का बोल रहा था, 4:30 बजे तक उसने प्रेस करा। अब रक्षा स्टैंड चलते हैं, वहाँ से रक्षे को लेते हैं, फिर उसके बाद शॉप की तरफ जाएंगे और खाना भी नहीं खाया, भूख भी इतनी ज़ोर से लग रही है अभी तक, हालत पूरी हो गई है। तो खाना वाना भी खाते हैं, रक्षा करते हैं, पहले देखते कोई रक्षा मिल जाए फटाफट से तो अच्छा होगा। इनके पास एक और सवारी आ गई तो बोले एक बोरा है वो आगे छोड़ देते फिर आपके साथ चलेंगे, तो मैंने चलो इनका भी फ़ायदा हो जाएगा। तो अंकल यहाँ पहले माल अनलोड करके फिर वहाँ अनलोड करेंगे, फिर ये मेरे साथ चलेंगे, फिर हम निकलेंगे खारादर की तरफ। बहुत ज़ोर से लग रही थी, बर्दाश्त नहीं हो रही थी, तो इसलिए भाई पुलाव ले लिया है। तो अभी पुलाव वगैरह खाएंगे, फिर माल वाल भी लोड करना है रक्षे में, फिर जाना है मैं खारादर की तरफ, क्योंकि शाम के 5 बज गए हैं, सुबह 11 बजे का नाश्ता करा हुआ है, भूख बहुत ज़ोर से लग रही है। तो खाना वाना खाएँगे, ये लिया है हमने आदिल पुलाव, आदिल बीफ पुलाव लिया है हमने 6:30 से। यहाँ तक अंकल आए थे तो मैंने कहा अंकल थोड़ा सा और करीब चल लो, उसका पुलाव बड़ा ज़बरदस्त है, तो यहाँ तक पुलाव भी ले लिया है, तो पुलाव वगैरह खाते हैं, माल वगैरह भी लोड कराते हैं, अब हम जा रहे हैं रास्ते में। मज़ा आ रहा है रक्षे में, बहुत टाइम के बाद सफ़र कर रहा हूँ मैं, सिर्फ ये सफ़र में मेरे को साथ नहीं करता था रक्षे में ज़्यादातर, कराची में बहुत कम करता हूँ मैं, अभी बड़ा मज़ा आ रहा है रक्षे में बैठ के, और मौसम थोड़ा अच्छा है तो हवा भी ठंडी ठंडी लग रही है। अरीना मार्केट तक पहुँचे और रक्षा बंद हो गया, अब इसमें पेट्रोल नहीं आ रहा है, पेट्रोल नहीं आ रहा, अब पेट्रोल लाओगे, पेट्रोल लेने के लिए जा रहे हैं, रास्ते में पेट्रोल ख़त्म हो गया, वैसे ही लेट पे लेट हो रहे हैं, आज तो बहुत ज़्यादा ही लेट हो गया हूँ मैं, अभी तक ये रक्षे में ही बैठे हुए, अंकल बेचारे पेट्रोल लेने जा रहे हैं, वो लेके आएंगे फिर जाएंगे आगे। बात तो सही है। अभी शॉप पे पहुँचा हूँ, ये माल वगैरह आ गया है, पता है भी क्या हुआ, हम लोग आ रहे थे तो सरीना की तरफ है ना, बीच में पेट्रोल ख़त्म हो गया रोड के बीच में, और रक्षा वहाँ ही जाम हो गया, तो अल्लाह का शुक्र है एक्सीडेंट होते होते बच गया, वरना एक्सीडेंट हो जाता फिर साले को धक्का। कौन से रोड? सरीना पे, फिर वहाँ पे धक्का मार के उसको साइड में लगाया, फिर अंकल जाके पेट्रोल वगैरह लेके आए। तो मैं अभी पहुँचा हूँ यहाँ पे 7 बजे, और मैं वहाँ से कब निकला था, 5:30 बजे का निकला हुआ था, तो 7 बजे जाके शॉप पे पहुँचा हूँ, बहुत लेट हो गया हूँ। तो अब चलते हैं थोड़ा घर की तरफ, वाइफ ने जो काम बताया तो वो तो हुए नहीं है, तो वो करेंगे बाद में। एहे। भाई कहाँ बैठे हो यार, ये अलमारी के अंदर हैं, हैं अलमारी के अंदर, अबे जिप देखो, जिप खुली हुई है, खुली होती है जिप, तो नजर नहीं आ रही, आप आपका अंडरवियर नजर आ रहा है, हवा के लिए, हवा के लिए, हवा क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, लंदन गए 4 बजे, हनान को टिकट मिल गई थी, सही है, हनान अपनी बड़ी मम्मा बड़े पापा लंदन गए, सही है, लंदन गए, लंदन पहुंचे और डॉक्टर नहीं आए थे, सही है, डॉक्टर ने कहा कि 4:30 बजे का अपॉइंटमेंट लो, 4:30 बजे आना, 4:30 बजे की पर्ची बना के हम हनान को लेके आ रहे, 4:30 बजे से बड़े बाबा बड़ी मम्मा गए थे लेके, डॉक्टर ने बोला कि 5,000 रुपए लगेंगे इसके, ये बड़ा हो गया बहुत, इसके 5,000 लगेंगे और इसको हम ऐसे नहीं करेंगे, इसको पूरा को बेहोश करेंगे, फिर इसकी खतरा करेंगे, हम ऐसे इससे पहले उसकी खतरा, फिर वहाँ से वो लेके आ गए, वो गोदरा लेके गए, गोदरा वाले ने भी बोला, बोला क्या बोलते ना वो इसकी खतरा, डॉक्टर नहीं, डॉक्टर ही करेंगे, वो लड़का जो था ना वो नहीं करेगा, फिर उसने मनहाइन ने बोला, फिर इमरान भाई पर, इमरान भाई बोला इनके सबकी माँ की आँख, बोला मैं वो फ़ोन दो, फोन मिलाया उन्होंने किसी लड़के को,
उससे बात हुई तो उन्होंने आपको कॉन्टेक्ट नंबर दिया है, मनाई ने उनसे बात कर ली होगी और वो बोल रहे मैं घर आके कल दुबई में कर जाऊँगा 4:30 बजे। अच्छा, इसकी भी होगी, हसन की भी होगी और आदि की भी होगी और हुसैन की भी होगी और अहमद की भी होगी, 4 जनों की होगी। कब? 4 जनों की। हाँ। भाई ये लंदन का मतलब ये है कि खतना होगी, क्योंकि इसकी खतना अभी तक इस वजह से नहीं हुई। अच्छा, ये 3 बंदों को बेहोश करना पड़ेगा इसकी, इसलिए हाँ फिर काटेंगे। भाई इसकी बचपन में इस वजह से नहीं करी थी क्योंकि जब ये हुआ था ना तो बहुत कमजोर था। नहीं फिर भी कमजोर था, कमजोर था, इस वजह से नहीं कराई थी। हाँ चलो चलो चलो, चिली चिली घोसा का। तो भाई आप कहाँ जा रहे हो, शूज वगैरह पहने हुए सब कुछ, किधर जा रहे हो? लंदन। अब वो कहाँ जाओगे? नाना अबू बकर देखा, अभी लगता ना ये बच्चे मानते नहीं है ना, है ना। खाना वाना बना लिया? खाना नहीं, खाना नहीं बना, ऐसी नहीं थी यार। बस ये नाटक है रोज के, तो अब मैं खाना वाना खाता हूँ, सही है। हाँ रोने धोने, इनके रोने धोने खत्म नहीं होते। हाँ ये बिला भैया की टोपी ड्रामे है कि ये नहीं है वो नहीं है, बस इंसान को बाहर खाने को दिल करता तो इंसान ऐसे टोपी ड्रामे देता है। खाना तो दोस्तों हम मिलेंगे कल, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंचते रहे। तो जब तक के लिए अबू बकर, जब तक के लिए बाय करो। नहीं भाई अभी इसका मूड नहीं है, बोल दिया। अल्लाह हाफिज़।